जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताज़ा हाल, तो ज़रा देखिए एक नज़र। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म के मालिक आदित्य चोपड़ा से करीब 4 घंटे पूछताछ की, जिसमें आदित्य चोपड़ा ने फिल्म निर्देशक शेखर कपूर से लेकर सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत के संदर्भ में यशराज को लेकर लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। आदित्य ने कहा कि सुशांत और यशराज के बीच किसी तरह का कोई विवाद या मतभेद नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आदित्य चोपड़ा ने कहा कि शेखर कपूर के आरोप गलत हैं। पानी फिल्म को लेकर सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे, पानी फिल्म नहीं बन पाई और सुशांत के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद खत्म हुआ था, बिना किसी विवाद के और बेहद अच्छे नोट पर खत्म हुआ था। पानी फिल्म नहीं बनने की वजह शेखर कपूर और मेरे बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस थे और सुशांत इस बात से पूरी तरह से वाकिफ थे, इसलिए पानी फिल्म नहीं बनने से सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे, ये पूरी तरह गलत है। उनका कहना है कि सुशांत ने पानी फिल्म के लिए कई बड़ी फिल्में छोड़ी, इस बारे में भी कोई जानकारी कभी सामने नहीं आई। फिल्म पानी को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि हम फिल्म बनाना नहीं चाहते थे, हमने फिल्म का काम शुरू किया था और करीब 5-6 करोड़ रुपए भी फिल्म पर खर्च किए गए थे, लेकिन शेखर कपूर इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना चाहते थे और हम फिल्म का ज्यादा बिजनेस भारत में करना चाहते थे। इस फिल्म में करीब 150 करोड़ रुपए लगने थे और शुरुआत में शेखर कपूर के साथ हुए मतभेद के बाद हम इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए ये फिल्म नहीं बन पाई। इस फिल्म के ना बनने से सुशांत निराश जरूर हुए होंगे, कोई भी कलाकार हो सकता है, लेकिन वो एक समझदार और सुलझे हुए एक्टर थे। इंडस्ट्री में ये चीजें होती हैं, ये सुशांत भी जानते थे, इसीलिए फिल्म ना बन पाने के कारण सुशांत डिप्रेशन में चले गए ये जानकारी पूरी तरह से बेबुनियाद है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी हम एक दूसरे के संपर्क में थे और कई बार मिले भी, अगर हमारे बीच कोई विवाद होता तो वो कभी ना कभी तो बाहर जरूर आता। आदित्य का कहना है कि जब साल 2012 में रामलीला साइन हुई थी तब सुशांत का कॉन्ट्रैक्ट यशराज के साथ नहीं था। इस फिल्म में संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह को मार्च या अप्रैल 2012 के आसपास साइन किया, जबकि सुशांत का यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसके कुछ महीने बाद साइन हुआ था। तो यशराज के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सुशांत फिल्म रामलीला नहीं कर पाए, ये कहना भी गलत है। आदित्य ने कहा कि बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली या उनकी टीम में से किसी ने भी कभी यशराज से इस फिल्म को लेकर संपर्क नहीं किया और ना ही कभी सुशांत ने हमसे कहा कि उन्हें ये फिल्म मिली है और उसमें वो काम करना चाहते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद सुशांत को एमएस धोनी फिल्म साइन करने दी, अगर हम एमएस धोनी जैसी बड़ी फिल्म साइन करने दे सकते हैं तो हम रामलीला और बाजीराव मस्तानी करने से सुशांत को कैसे रोक सकते थे। आदित्य चोपड़ा ने पुलिस को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में भी जानकारी दी। आदित्य ने रिया के फिल्म्स और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताया। आदित्य चोपड़ा से पुलिस ने सुशांत के साथ हुए बिजनेस डील के बारे में भी जानकारी ली। आदित्य ने बताया कि यशराज ने सुशांत की पहली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के लिए 30 लाख और दूसरी फिल्म ब्योमकेश बख्शी के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।